सतीश अग्रवाल से, जिनसे चर्चा होगी चौथी तिमाही के नतीजों और आगे के आउटलुक पर। उसके बाद हमारे साथ जुड़ेंगे ई मुद्रा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन वेंकट रमन श्रीनिवासन जी। कंपनी का आईपीओ 20 मई से खुलेगा, तो मैनेजमेंट से कंपनी के कारोबार के बारे में जानेंगे, साथ ही आगे की योजनाओं पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले नजारा टेक फोकस में है आज। आपको मैनेजमेंट से चर्चा करने से पहले आपको कंपनी के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। 1999 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। ऑनलाइन स्पोर्ट्स और ई लर्निंग कारोबार में ये कंपनी है। अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका की बाजार में इनकी मौजूदगी है। साथ ही साथ WCC, कैरम क्लास, किडोपिया जैसे प्रोडक्ट्स ये ऑफर करती है। स्पोर्ट्स कीड़ा, हाला प्ले और क्यूनामी जैसे प्रोडक्ट्स भी कंपनी के पोर्टफोलियो में शामिल हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ उस स्वदेश पर। आपके नतीजों से ही अगर शुरुआत करें, हमने देखा कि जो प्रॉफिट है और जो मार्जिन है वो काफ़ी हद तक फ्लैट दिखाई दिए हैं चौथी तिमाही में, लेकिन रेवेन्यू में हम ग्रोथ देख रहे हैं, वहाँ बढ़त ज़रूर है। क्या रीजंस रहे इस तरह के परफॉर्मेंस के और आगे रेवेन्यू के लिए आप क्या आउटलुक देना चाहेंगे? धन्यवाद अपने शो में मुझे आमंत्रित करने के लिए। अगर आप देखें हमारे क्वार्टर फोर के ईयर ऑन ईयर नंबर्स, तो 42% की हमारी रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है। और अगर आप हमारा एबिडा नंबर देखेंगे तो 26% की हमारी एबिडा मार्जिन बढ़ी है। तो हमारा जैसा हमेशा से मानना है कि गेमिंग का जो आगे आने वाला भविष्य है बहुत सुनहरा है, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस बहुत बहुत ही स्ट्रांग है, उसमें रेवेन्यू ग्रोथ, मार्केट शेयर गेन हमारी प्रायोरिटीज हैं, और उसके साथ अगर हम अपने मार्जिन भी इम्प्रूव कर सकें तो सोने पे सुहागा है। तो हमारी हमेशा से यही मानना रहता है कि पहले आप देखें अपना मार्केट शेयर कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं, अपना रेवेन्यू कैसे ग्रो कर रहे हैं, और उसके साथ आप अपना मुनाफा बनाते रहें। आने वाले समय में भी यही हमारी फिलॉसफी रहेगी। हमारे जो सेगमेंट्स हैं, ई स्पोर्ट्स सेगमेंट है, उसने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है। अगर आप क्वार्टर फोर ऑनवर्ड ईयर ऑन ईयर देखें, करीब करीब उसकी 88-89% की ग्रोथ है और बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम पे है। तो ई स्पोर्ट्स का फायदा मिलेगा हमें आने वाले समय में, जब इवेंट शुरू होंगे, ऑफलाइन इवेंट शुरू होंगे, ब्रांड्स अपनी स्पॉन्सरशिप के लिए पर्स स्ट्रिंग्स खोलेंगे, उसका हमें बहुत फायदा मिलने वाला है। हमने एक नया बिजनेस भी शुरू किया है, जैसे गेमर्स की संख्या इंडिया में बढ़ रही है, लोग गेमिंग के एक्सेसरीज खरीद रहे हैं, और गेमिंग एक्सेसरीज का बिजनेस में हमने इन्वेस्ट किया है जो इस साल पूरा पूरा आपको फायदा देगा। तो एक उसमें बहुत बहुत ही उम्दा ग्रोथ की हमें उम्मीद है ई स्पोर्ट सेगमेंट में। हमारा दूसरा जो स्किल बेस्ड रियल मनी गेमिंग सेगमेंट है, उसने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है क्वार्टर फोर में और अच्छे मोमेंटम पे है। वो एक हमारा दूसरा एक ग्रोथ ड्राइवर का सेगमेंट बनता हुआ नजर आ रहा है, और उसी पे हम लोग और कंसोलिडेशन भी करेंगे। अगर हमें बाहर रेगुलेटरी नियम ठीक से दिखते हैं कि उसमें कोई फ्लिप फ्लॉप नहीं हो रहा है, बिजनेस की वायबिलिटी खतरा नहीं है, तो हम लोग और कंसोलिडेशन करेंगे इस साल उस सेगमेंट में। सो ये दो सेगमेंट हमारे ग्रोथ ड्राइवर हैं। हमारा गेमिफाइड लर्निंग, जहाँ पे पिछले साल हमने बहुत तेजी से ग्रोथ की थी, इस साल 16% की ग्रोथ है, वहाँ पे हम नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं जिससे कि हम ग्रोथ को वापस ला पाए। करेक्ट। आपके सवाल में ही मुझे दो तीन आपके माफ कीजिए जवाब में ही मुझे दो तीन सवाल मेरे दिमाग में आते हैं। पहला, आपने जैसा बताया कि ई स्पोर्ट्स जो आपका बिजनेस है वो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है, और हम जो हमारे सामने जो डेटा है वो बहुत क्लियर है, 49% करीब कंट्रीब्यूशन जो है FY22 में इसी बिजनेस से आया है, हाईएस्ट रेवेन्यू आपको जनरेट करके ये दे रहा है, और अब हम देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक इसको बढ़ावा देने के लिए पुश भी मिल रहा है। टोक्यो ओलंपिक्स में इसको शामिल किया गया, एशियन गेम्स में ई स्पोर्ट्स शामिल किए गए हैं। आपकी नजारा टेक की क्या प्लानिंग है, किस तरह आप इस स्पेसिफिक सेगमेंट को फिलहाल एक्सेलरेट कैसे करने का प्लान कर रहे हैं? जैसा कि आपने बोला कि इसका रुझान बढ़ रहा है, लोगों की व्यूअरशिप बढ़ रही है, हमारा हमेशा से मानना है कि स्पोर्ट्स का जो एंटरटेनमेंट है वो इस देश में क्रिकेट के बराबर पहुंचेगा। जैसे हम और आप क्रिकेट देखते हैं आईपीएल से अपने, या तो हॉटस्टार या स्टार स्पोर्ट्स से जुड़े रहते हैं, ऐसे ही ई स्पोर्ट्स की व्यूअरशिप बहुत तेजी से बढ़ेगी। और जैसे कि इसका एथलीट्स, टॉप गेमर्स, उनकी परफॉर्मेंस, वो एक हाउस होल्ड नेम बनेंगे, वो हमारे टूर्नामेंट्स के माफिक, हमारे टूर्नामेंट्स के तहत उसका व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। सो हमारा ये मानना है कि ई स्पोर्ट्स में हमें बड़े से बड़े IP बनाने हैं, बड़े से बड़े लेवल पे उसको एग्जीक्यूट करना है, जिससे कि एक मंच मिले टॉप प्लेयर्स को अपना परफॉर्मेंस दिखाने का,
और मिलियंस ऑफ लोगों के साथ जुड़ने का। अगर हम वो कर पाते हैं तो उसके ब्रॉडकास्टिंग जो रेवेन्यू राइट्स हैं, उन रेवेन्यू राइट्स उन राइट्स की रेवेन्यू बढ़ती रहेगी और उनकी प्राइस इलास्टिसिटी बढ़ती रहेगी, प्रीमियम मिलेगा हमको और वही हमारा एक बहुत बड़ा ग्रोथ का दारमोदार बनेगा। करेक्ट। तो यहाँ पर आईपीएस बनाने की तैयारी और साथ ही साथ ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, ये जो है अच्छे जो हैं ट्रिगर्स हो सकते हैं इस पूरे सेक्टर को आगे, इस पूरे सेगमेंट को आगे बढ़ाने में। आपने अभी एक बात कही कि आप गेमिंग एक्सेसरीज के बिजनेस में भी आ रहे हैं, अगर आप उसका थोड़ा डिटेल्स दे सकें, किस तरह के एक्सेसरीज आप लाने वाले हैं, किस प्राइस रेंज में होगा, किस तरह का इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं फिलहाल? अगर आप देखें, जब मल्टीप्लेयर गेमिंग होती है तो एक टीम दूसरी टीम के अगेंस्ट खेलती है और टीम का आपस में उनको तालमेल बनाना पड़ता है, एक दूसरे से लगातार बात करते रहते हैं जिससे कि कौन अपोनेंट किधर से आ रहा है उस पर नजर रख सकें, और उसमें जरा सी भी अगर देरी हो जाए तो फिर आपका गेम खराब हो जाएगा, आप हार जाएंगे। ऑडियो बेस्ड गेमिंग एक्सेसरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, हेडफोन्स गेमिंग के लिए डिजाइन होते हैं, गेमिंग के लिए उसमें लेटेंसी के लिए इनोवेशन होता है, हम लोग उसमें अपना एफर्ट डाल रहे हैं कि हम गेमिंग के लिए हेडफोन्स जो गेमिंग के गेमिंग जो जो गेमर्स हैं उनके लिए वो हेडफोन्स कैसे बनाएं, उसकी R&D करके उनको नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। यही एक कंपनी है जो विंग्स करके ब्रांड है जिसमें हमने इन्वेस्ट किया है, अभी 10 करोड़ पे हमने इन्वेस्ट किए हैं इस कंपनी में। कंपनी गेमिंग एक्सेसरीज की कैटेगरी इस देश में बनाएंगी जहाँ पे 50 करोड़ गेमर ऑलरेडी हैं और उनकी ग्रोथ हो रही है, उनका टाइम स्पेंड, उनका कॉम्पिटेटिव मल्टीप्लेयर इंक्रीज हो रहा है। गेमिंग एक्सेसरीज का हमारा मानना है कि आने वाला भविष्य बहुत सुनहरा है। करेक्ट। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो डिटेल अगर आप ही बताएं, एप्पल का IDFA जो है उसका किस तरह का इम्पैक्ट आपके रेवेन्यूज़ पर पड़ा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो गेमिफाइड अर्ली लर्निंग है वो फिर भी आपका ग्रो किया है करीब 1% से ऊपर, तो किस तरह का इम्पैक्ट आपने इसका पढ़ते हुए देखा है अपने बिजनेस पर? आपने जैसे सही बोला कि हमारा ग्रोथ 1% हुआ है, अगर IDFA नहीं होता तो ये ग्रोथ हमारा 100% होता, तो ये फर्क हमने देखा है IDFA का। IDFA का फर्क कहाँ पे पड़ता है कि आपके जो आप पैसे खर्च करते हैं लोगों को, नए लोगों को लाने में, उसका एक परफॉर्मेंस मार्केटिंग में कैसे आप उसको ऑप्टिमाइज कर रहे हैं कि आप कितने कॉस्ट पे आदमी ला रहे हैं, कितना कॉस्ट आप उसको आप खर्च कर सकते हैं एक नए सब्सक्राइबर को लाने के लिए जिससे कि आप उससे प्रॉफिट बना पाए एक यूनिट इकोनॉमिक्स पे, वो यूनिट इकोनॉमिक्स पे हमारा असर पड़ा है। पहले हम 24-26 डॉलर पे एक ट्रायल लाते थे जो कि 36-37 डॉलर हो गया है अभी, और वो सेम स्केल पे भी नहीं हुआ है। 24-26 में हम इजीली 1.2 मिलियन डॉलर्स पर महीना खर्च करते थे मार्केटिंग में, अभी हम 800,000 खर्च खर्च पा रहे हैं अपना कॉस्ट पर ट्रायल बढ़ने के बावजूद। तो ये आपका एप्पल पॉलिसी का इम्पैक्ट है, जहाँ पे हम मार्केट में 4 या 5% शेयर है, हमने शेयर अपना सेम रखा हुआ है, शेयर गेन नहीं हुआ है, शेयर लॉस नहीं हुआ है, बट वो मार्केट इतना बड़ा है, अगर उसमें हम सही पैमाने पे नए यूजर ले पा ला पाए तो इसकी ग्रोथ फिर से बहुत तेजी से हो सकती है। ये जो ग्रोथ आप देख रहे हैं 1%, ये आई है हमारे जो रिपीट यूजर्स हैं वो हमसे बहुत बहुत ही अच्छे से जुड़े हुए हैं, उनका रिटेंशन बहुत बढ़िया है, तो प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। तो हमारा इस साल फोकस ये रहेगा कि वहाँ पे हम कैसे एक्सपेरिमेंट करें नए चैनल्स पे, नए तरीके से कंज्यूमर्स को अपना प्रोडक्ट सैंपल कराने के लिए जिससे कि हमारी ग्रोथ तेजी से हो सके, लेकिन वो चैनल्स आइडेंटिफाई करने के लिए, वो एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए हमारी कॉस्ट बढ़ेगी और उसका क्या हमारा रेवेन्यू ग्रोथ पे, नए सब्सक्राइबर ग्रोथ पे क्या असर पड़ेगा, वो अगले आने वाले 3-4 महीने में हमको बहुत क्लियर मालूम पड़ेगा। करेक्ट। तो अगले 3-4 महीने तक कुछ और क्लैरिटी आने की उम्मीद है। एक आखिरी सवाल मनीष जी और पूछूंगा, पिछली बार आपकी और हमारी जब बात हुई थी तब आपने एक नया एक्विजिशन किया था और आपने ये भी मेंशन किया हुआ है कि आप मर्जर एक्विजिशन के जरिए बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस समय कोई चर्चा, कोई बातचीत, कहीं कोई नया इन्वेस्टमेंट आप करना करने का प्लान कर रहे हैं, अगर आप कुछ डिस्कस कुछ शेयर करना चाहें हमारे व्यूअर्स के साथ? नजारा में हमारा बहुत स्ट्रांग मानना है कि फॉर फ्रेंड्स ऑफ नजारा नेटवर्क की ग्रोथ कंटिन्यूअसली होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे वाइट स्पेसेस हैं इस मार्केट में जो कि बहुत तेजी से ग्रो करने वाला है, और उन वाइट स्पेसेस में अगर आप आज अच्छी टीम्स के साथ अपना संबंध बना लें, दोस्ती बना लें, तो आप आगे से ग्रोथ कर सकते हैं।
तो ये चीज हमारे कॉन्स्टेंटली हम डिस्कस करते रहते हैं अपने सभी सेगमेंट्स में कि कौन सी टीम इंडिया में या बाहर अच्छी हैं जो उनके साथ हम आगे अपना ग्रोथ कर पाए। हमारा पिछले साल हमने नॉर्डविन में सब्सिडियरी लेवल पे एक्विजिशन शुरू किए, कॉरपोरेट पे भी हमने एक्विजिशन किए। हमारी आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा, हमारी सारी कंपनीज कैश पॉजिटिव हैं, कैश जनरेट करती हैं, और हम चाहते हैं कि हम हर सब्सिडियरी लेवल पे वो अपने स्तर पे भी एक M&A शुरू करें, जिससे कि ऑर्गेनिक इन ऑर्गेनिक ग्रोथ दोनों हो, और कॉर्पोरेट में हमारे पास जो कैश है उसको हम इस्तेमाल करके और M&A करेंगे। कोई एक पर्टिकुलर टारगेट अभी वो डिस्कस नहीं करना चाहता हूं मैं, क्योंकि हमारे पास हर समय बहुत सारी थ्रेड्स ओपन होते हैं, बहुत सारी चीजें डिस्कस करते रहते हैं। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फाउंडर्स के साथ तालमेल कितना अच्छा बैठ रहा है और प्रोडक्ट में ग्रोथ क्या दिख रही है। वो दो चीजें आराम से समझें, कोई जल्दीबाजी नहीं है, और इस तरीके से हम अपना M&A करते हैं। चलिए ठीक है, तो बिल्कुल इटिना स्वदेश आपसे फिर संपर्क करेगा और हम कोशिश करेंगे कि जब भी आप कोई नया डेवलपमेंट हो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी समय निकालकर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर कमिंग क्वार्टर्स। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब इस शेयर में क्या करना चाहिए आपको। नज़ारा टेक्नोलॉजीज हम देख सकते हैं 1230 पर ट्रेड कर रहा है आज। हमारे साथ शेयर इंडिया के रवि सिंह जुड़ गए हैं। रवि बहुत बहुत स्वागत आपका। नज़ारा टेक्नोलॉजीज के मैनेजमेंट बता रहे हैं कि किस तरह एप्पल की जो पॉलिसी है उसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन उनके जो रिपीट यूजर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो अच्छी अच्छी तरह उनके साथ जुड़े हुए हैं। आने वाले दिनों कैश पॉजिटिव कंपनीज हैं इनके पास, जितनी भी जिनसे भी संपर्क है इनका, और साथ ही साथ गेमिफाइड लर्निंग बिजनेस भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो ऑल इन ऑल बातचीत तो अच्छी दिख रही है मैनेजमेंट से, लेकिन स्टॉक पर आपका क्या राय है? बिल्कुल स्वामी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इस समय स्टॉक का वो जो जो बातचीत चल रही है और जिस हिसाब से इसके रिजल्ट्स रहे हैं, उन्होंने थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से जो एप्पल के साथ इश्यू चल रहे हैं उनकी उसकी वजह से एक इम्पैक्ट जरूर देखा है। लेकिन एक चीज फोकस करने वाली बात है कि कंपनी ने लास्ट एक साल में 26% का करेक्शन दिखाया है। मार्केट कैप के हिसाब से और पी के हिसाब से देखे तो थोड़े से हायर वैल्यूएशन जरूर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो कंपनी का प्रोस्पेक्ट है, फ्यूचर है, उसके हिसाब से अगर समझते हैं, जो गेमिंग जोन है और जिस हिसाब से वो OTT प्लेटफॉर्म पे है या मोबाइल पे जो एक अकेला जो इनका अट्रैक्शन है वो काफी बना रह सकता है। लेकिन शेयर में निवेश करने के लिए मैं कहूंगा कि रणनीति जरूरी है और रणनीति के हिसाब से इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक बार 1150 और 1050 के जो लेवल्स हैं थोड़ा डिप में अगर बाय करेंगे तो इन्वेस्टर के लिए थोड़ा अट्रैक्शन रहेगा। लॉन्ग टर्म पे रिटर्न मिलेंगे लेकिन बहुत अट्रैक्टिव रिटर्न नहीं, एक एवरेज ऑन रिटर्न यानी कि करीब 12 से 18% के रिटर्न आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। उस हिसाब से अगर देखें तो आप चूंकि अपने पोर्टफोलियो में अगर डाइवर्सिफिकेशन रखते हैं, आगे फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट के हिसाब से देखें तो नजारा टेक्नोलॉजीज के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट अच्छे हैं, थोड़ा सा अंडर वैल्यूएशन और मिल जाता है तो आपके लिए अच्छा है। तो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार 1300-1350 तक के लेवल मिलेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट की रणनीति 1150 और 1050 के बीच में रखनी चाहिए। अब फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े बहुत डिप जरूर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन मार्केट भी यहाँ पर नेगेटिव है, उसका भी इम्पैक्ट है। ओवरऑल सेंटिमेंट यहाँ पर थोड़े से पॉजिटिव डेवलप होंगे लेकिन थोड़े लेवल लोअर लेवल पर। तो यहाँ पर स्ट्रैटेजी, अगर ये स्टॉक आपके नज़र में है, आपके फोकस में है और आप इसे पोर्टफोलियो में जोड़ना चाहते हैं, तो कुछ गिरावट आने दीजिए। बाय ऑन डिप्स जो कहा जाता है, 1050 से 1150 का जो लेवल है उसके बीच अगर आप खरीदारी करें इस स्टॉक में, तो आपको 12 से 18% तक के रिटर्न मिलने की उम्मीद की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि समय निकालकर आज हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए।